मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 4.1 पढ़ चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2। इसी के साथ अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो प्रश्नावली 4.2 पेन कॉपी निकाल लो और डाल लो। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखना क्या कह रहा है उसमें। क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बेटा मूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आप लोग पिछली कक्षा में गुणनखंड पढ़े होंगे 9th में, कैसे गुणनखंड किया जाता है, तो वैसे क्या करना है हमें, मूल निकालना है। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, और कितने करने हैं आपको, 20 करने हैं। ठीक है, तो आ जाओ दिल की धड़कनों को थाम के क्वेश्चन लगाने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया है देखना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका निकालना बेटा गुणनखंड करना। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे माइनस 10 आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस 3 आए। तो बेटा अगर हम 5 और 2 का गुणा कर दें, देखो माइनस 5 और गुणे 2 कर दें तो माइनस 10 आएगा, और माइनस 5 प्लस 2 कर दें तो माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो माइनस 5 और प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है बेटा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 2, तो x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस 5, तो दोनों में से क्या करेंगे, x माइनस 5 कॉमन लेंगे। तो जब x माइनस 5 को ले लोगे कॉमन तो x प्लस 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2। ठीक है बेटा, अगर x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5, और x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 2x प्लस 6 बराबर 0। इसको करना आप लोगों को बेटा, ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे 6 आए, कितना आए 6 आए, और जोड़ने घटाने पे माइनस 4 कड़ी में 2 आए। तो बाबू अगर हम 3 गुणे 2 कर दें, 3 गुणे 2, और बेटा यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है बेटा, तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आ रहा है, लेकिन बेटा दोनों को जोड़ने पे माइनस 4 करड़ी में 2 आना चाहिए। इसको हम क्या लिख दें, अगर इसको हम बेटा 2 को लिख दें करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो मतलब यहाँ पे कर दें कितना, देखो माइनस 3 करड़ी में 2 और माइनस गुणे करके बेटा माइनस करड़ी में 2, तो देखो 3 का 3 रहेगा बेटा करड़ी में 2 करड़ी में 2, करड़ी में 2 कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 2, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, 3 एक 4 करड़ी में 2। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2, एक्स माइनस करड़ी में 2 एक्स, और नहीं तो एक काम करना कर लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6 बराबर 0। अब देखना एक मिनट, ए हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 एक्स माइनस करड़ी में 2 एक्स प्लस 6, 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं गुड़े करड़ी में 2 गुड़े करड़ी में 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या देखो, देखो यहाँ पे 3 करड़ी में 2 गुड़े करड़ी में 2, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं हो गया, एकदम मतलब बिंदास मेरे लाल। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 करड़ी में 2, और बाबू यहाँ पे क्या कॉमन होगा करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा एक्स
माइनस कॉमन हो गया तो यहां बचेगा माइनस, कर्ली में दो कॉमन हो गया तो बचेगा तीन कर्ली में दो, ठीक है, बराबर जीरो। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस तीन कर्ली में दो, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस तीन कर्ली में दो कॉमन ले लिए हो, एक्स माइनस कर्ली में दो बराबर जीरो, तो एक्स माइनस तीन कर्ली में दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर तीन कर्ली में दो हो जाएगा बेटा, एक मूल्य हो गया, जैसे इसमें आया था कितना आया था पांच और दो, इसमें आ गया पहला तीन कर्ली में दो, और दूसरा क्या होगा बेटा, यदि एक्स माइनस कर्ली में दो बराबर जीरो लेंगे तो एक्स बराबर कर्ली में दो, इसका भी निकल गया, ठीक है, नोट करो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लगाने और इसमें कितने टोटल हैं, 20 हैं, नोट करो इसको भी, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द दो क्वेश्चन कर चुके, मिटा इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर जीरो, तब बाबू यहां पे करोगे, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 36 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना आए बेटा 13 आए, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 9 चौक के 36, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 बराबर जीरो, तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे बेटा तो बचेगा x प्लस 9 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 9 बराबर 36, हाँ जीरो हो जाएगा बेटा, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 9, तो x प्लस जब 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 4 बराबर जीरो, अब क्या करेंगे बेटा, यदि हम x प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 9 और x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा बेटा माइनस 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीन क्वेश्चन हो गए, आ जाओ बेटा चौथे पे, चौथा क्या कह रहा, कह रहा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यही बोला बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर जीरो, तो बेटा 15 को ऐसे तोड़ो दो संख्या में कि गुणा करने पे माइनस 15 आए, जोड़ने या घटाने प्लस 2 आए, तो 5 3 15 प्लस 5 माइनस कितना होगा बेटा 3 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस कितना होगा बेटा 15 बराबर जीरो, दोनों में कॉमन क्या लेंगे x लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे मेरे लाल तो क्या बचेगा x प्लस 5 और इसमें से क्या कॉमन लेंगे 3, तो x प्लस 5 बराबर 0, अब बाबू दोनों में कॉमन क्या होगा, फिर x प्लस 5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0, अब बाबू अगर x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा ना, और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये दो माइनस के निकल गए, माइनस 5 और 3, ठीक है बेटा नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है एकदम मस्त बिंदास आप लोगों का, बस मेहनत क्या करना है करते रहना है, क्वेश्चन तो हम एक एक लगवा देंगे, ठीक है, तो आप लोग जी और जान, कौन सा जान, वो वाला जान नहीं, ए वाला जान लगा के मेहनत करो, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांचवा क्या कह रहा बाबू, कह रहा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5 कर्ली में 2 बराबर 0, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x 7x, सॉरी बेटा कितना दिया है 7x और प्लस कितना दिया है 5 कर्ली में 2, 5 कर्ली में 2 बराबर 0, ये बेटा पांचवा है, ठीक है, और हम ऐसे की नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा कितना दिया अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस पांच कर्ड़ी में दो, इसका और इसका हम क्या करते हैं बेटा आपस में गुणा करते हैं, तो कितना होगा कर्ड़ी में दो है पांच कर्ड़ी में दो, तो पांच दूनी दस, अब दस को ऐसे तोड़ो दो संख्या में कि जोड़ने पे
सात आए गुणा करने पे भी 10 आए। ठीक है बेटा, तो 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2x² है प्लस यहाँ पे बेटा 2x कर दो प्लस 5x कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा 5 कड़ी में 2 = 0। एक चीज, एक स्टेप और कर सकते हैं बेटा, हम चलेंगे यहाँ से कड़ी में 2x² प्लस 2 को लिख सकते हैं, कड़ी में 2 × 2x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 = 0। इतना तो आप लोग कर लोगे। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कड़ी में 2x कॉमन दिख रहा है, तो कड़ी में 2x कॉमन ले लेना, बचेगा कितना x प्लस कड़ी में 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेना, तो बचेगा x प्लस कड़ी में 2 = 0। ठीक है, चलो अब बाबू दोनों में क्या है कॉमन, x प्लस कड़ी में 2, तो x प्लस कड़ी में 2 जब कॉमन ले लेंगे बचेगा 2 कड़ी में 2x प्लस 5, कड़ी में 2x + 5 = 0। अब बाबू अगर हम x प्लस कर्डी में 2 = 0 लेते तो x बराबर माइनस कर्डी में 2 आएगा, और कर्डी में 2x + 5 = 0 लेते हैं तो कर्डी में 2x = -5 और x बराबर -5/2 ए हो जाएगा बेटा इसका मान, एक ए होगा और दूसरा ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो आ जाओ। 5 हो गया, छठे नंबर क्वेश्चन पे, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, कह रहा 2x² + x - 6 यह दिया है, 2x² + x - 6 = 0 यही है बाबू। अभी क्या करना, 6 का गुणा 2 में करोगे 6 × 2 = 12, 12 को ऐसे तोड़ो दो संख्या में, गुणा करने पे तो -12 आए, जोड़ने घटाने पे क्या आए प्लस x आए, तो 4 × 3 = 12 होता है ना बेटा, तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो करोगे बेटा इसमें से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस x, और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 2, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 = 0, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बाबू यहाँ पे क्या कॉमन है x प्लस 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3 = 0, तो x प्लस 2 = 0, तो x बराबर बेटा -2 हो जाएगा, और इसी प्रकार 2x - 3 = 0 लेंगे तो 2x = 3 और x बराबर 3/2। इतना आ गया होगा समझ में, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए बहुत ही आराम से, 14 क्वेश्चन और करना है, 20 क्वेश्चन है टोटल इसमें। इसको मिटा रहे हैं बेटा, आ जाओ सातवें नंबर पे, क्या कह रहा सातवां, 2x² - x दिया बेटा, 2x² - x + 1/8 = 0 यही है। इसका क्या करना बेटा, गुणनखंड करना है, इसके बटे एक कर लेना, इसके बटे एक कर लेना, एलसीएम लेना बाबू, कितना होगा 8 होगा, तो 8 का गुणा करोगे 16x² - 8x + 1 = 0, इसका गुणा इधर कर दो तो 16x² - 8x + 1 = 0, क्योंकि 8 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा। अब बेटा 16 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पे देखो 16 + 16 हो रहा, गुणा करने पे तो प्लस 16 है, जोड़ने घटाने पे माइनस 8 है, तो 4 × 4 = 16 होगा बेटा, -4 × -4 - - प्लस और -4 - 4 - 8, तो कितना हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहां से 4x कॉमन होगा तो बचेगा 4x - 1, यहां से -1 कॉमन होगा तो बचेगा 4x - 1 = 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4x - 1, तो बचेगा 4x - 1 = 0 यही होगा। अब बेटा अगर हम 4x - 1 को ले लेंगे तो 4x = 1, तो x बराबर कितना होगा बेटा 1/4, दोनों सेम है इसका दोनों होल हो जाएगा 1/4 और 1/4, क्योंकि दोनों सेम है ना बेटा,
आ जाओ आठवें पे, आठवां क्या कह रहा, आठवां कह रहा है 100x² - 20x और प्लस एक। 100x² - 20x प्लस एक बराबर जीरो। इसका गुणा इसमें करोगे, 100 एकम 100, 100 को ऐसे तोड़ो बेटा, गुणा करने पे तो 100 आए, जोड़ने घटाने माइनस 20 आए, तो -10 - -10 कर लोगे, तो 100x² - 10x - 10x प्लस एक बराबर जीरो। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 10x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10x - 1, यहाँ से माइनस एक कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 10x - 1 बराबर जीरो। दोनों में कॉमन क्या है, 10x - 1 कॉमन है बेटा, तो 10x - 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x - 1 बराबर जीरो। अब बाबू क्या करेंगे, 10x दिया है तो 10x - 1 बराबर जीरो लेंगे, तो 10x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/10, दोनों सेम है बेटा तो दोनों आएगा 1/10, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। फिर चलेंगे नौवे नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं बाबू इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है बेटा, 6x² - 2x - 2, 6x² - 2x - 2 बराबर जीरो। अब बेटा करना क्या है तुमको, दोनों का गुणा करोगे, 6 × 2 = 12, 12 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो माइनस है 12 है, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, जोड़ने या घटाने पे -2 आए। क्या करेंगे बेटा, अगर हम 3 में 2 घटा दें तो कितना आएगा, देखो -3 में 2 और प्लस कर दें 2 में 2, तो आ जाएगा बेटा -2, और दोनों का गुणा कर लो, देखो कितना होता है, -3 में 2 × 2 में 2 माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। यहां से करोगे बेटा तो 6x² - 3 में 2x और प्लस 2 में 2x - 2 बराबर जीरो। अब बाबू 6 को क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 में 2, यहाँ पे x², यहाँ पे -3 में 2x और प्लस 2 में 2x और -2 बराबर जीरो। अब बाबू 3 में 2 यहाँ पे भी है, 3 में 2 यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, 3 में 2x कॉमन ले लेना, ठीक है, 3 में 2x कॉमन लोगे तो बचेगा 2x और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, -1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेना तो बचेगा 2x - 1 बराबर जीरो। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 1 कॉमन है, 2x - 1 कॉमन लोगे तो बचेगा 3 में 2x + 2 बराबर जीरो। अब बाबू अगर हम 2x - 1 बराबर जीरो लेंगे तो 2x = 1 होगा, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू क्या है, 3 2x + 2 बराबर जीरो लेंगे तो 3 2x - 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2/3 2 हो जाएगा, ठीक है। या तो बाबू इसको लिख सकते थे, -2 को लिख क्या सकते हैं, 2 × 2 = 3 2, इससे इसको काट दोगे, -2/3 एक ये हो जाएगा, और एक कहाँ पे गया बेटा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, मजा आ रहा है, एक एक क्वेश्चन एकदम गर्दा मचा देना है, छोड़ना किसी को नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वें पे, दसवां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 2x² + 5/3x - 2 बराबर जीरो। 2x² + 5/3x - 2 बराबर जीरो, यही है, तो 3 का गुणा कर दो दोनों तरफ, इधर भी कर दो बेटा, कितना होगा, 6x² + 5x - 3 × 6/3 बराबर जीरो, इसको उधर लेके जाओ जीरो हो जाएगा,
6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब बाबू 6×6=36, माइनस 36 हो रहा है, गुणा करने पे माइनस 36 आए, जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो 9×6=36 प्लस 9−4, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। 3 कॉमन ले लेते बेटा, 3x जब कॉमन लेंगे 2x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3 बचेगा क्योंकि x कॉमन हो गया है। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, कितना बचेगा 2x और प्लस 2×3=6 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर बेटा माइनस 3 होगा, तो x बराबर माइनस 3/2। ऐसे यहाँ पे करोगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये दोनों इसके मूल निकल जाएंगे। ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। 11वां क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है बेटा 2/5x² माइनस x और माइनस 3/5 बराबर 0। 2/5x² माइनस x और क्या है बेटा, माइनस 3/5, माइनस 3/5 बराबर 0। इसके बटे 1 कर लेना बेटा, एलसीएम लोगे 5 होगा, तो 2x² माइनस x, कितना 5 का गुणा करोगे इसमें, माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसका गुणा इधर कर दो, 0 हो जाएगा, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करोगे, हाँ यही था ना बेटा, यही था। अब क्या करोगे बेटा, 3 का गुणा 2 में करोगे, 3×2=6, 6 को ऐसे तोड़ोगे माइनस 6, गुणा करने पे आए, जोड़ने घटाने माइनस 5, 6×6=6+1, तो 2x² माइनस 6x और प्लस x माइनस 3 बराबर 0। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लोगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन है बेटा x माइनस 3, बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब बाबू अगर हम x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 3, और 2x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/2, ये हो जाएगा इसका मान। चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते देखते क्या से क्या हो गए ये तुम, है ना। आ जाओ 12 नंबर पे, कह रहा 3×2x² 3×2x² माइनस 5x माइनस 2 माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो चलो बेटा यहां से तोड़ना शुरू कर दो, क्या करोगे, चलो तोड़ोगे, हाँ कड़ी में 2 बड़ी कड़ी में 2, 2×3=6, 6 को ऐसे तोड़ो सेम बेटा, माइनस 6x प्लस x, यही करोगे बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो 3×2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 को तोड़ दो थोड़ा सा, 3×2x² माइनस 6 को लिख सकते हैं बेटा, 3×2×2 x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या कॉमन है, 3×2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस, कितना बचेगा बेटा 2, और प्लस 1 कॉमन होगा माइनस x माइनस 2। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 2, तो बचेगा 3×2x प्लस 1 बराबर 0। तो ले लो बेटा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और 3×2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3×2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3×2, ये हो जाएगा इसका मान। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है बेटा, 21x² माइनस 2x और प्लस 1/21 बराबर 0। 21x² माइनस 2x और प्लस 1/21 बराबर 0, यही है बेटा।
चलो ठीक है, इसके बटे एक कर दो, इसके बटे एक कर देना, ठीक है। 21 का गुणा कर दो बेटा, 21 के संयम कितना होता है, 441 होता है शायद, 441 यक्स स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42 यक्स प्लस 1 बटे 21 हो जाएगा बराबर 0, इसका गुणा इधर कर दो, 441 यक्स स्क्वायर माइनस 42 यक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका गुणा इसमें करोगे 441 आएगा, 441 को ऐसे थोड़ा गुणा बनने पे 441 आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस 42 आए, तो माइनस 21 गुणे माइनस 21 ही होगा बेटा। तो 441 यक्स स्क्वायर माइनस 21 यक्स माइनस 21 यक्स प्लस 1 बराबर 0, 21 यक्स कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 21 यक्स और माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे 21 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 21 यक्स माइनस 1 और 21 यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों सेम है, 21 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 21 यक्स बराबर ले लो बेटा 1, एक्स बराबर 1/21 और 1/21 ये हो जाएगा इसका मान। आए समझ में, चलो कितना कर चुके, 13 कर चुके बेटा, अब कौन सा करना हम लोगों को, 14 करना है। मिटाएं इसको, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बेटा, ये 2/x² माइनस 5/x और प्लस 2 बराबर 0, तो क्या करो बेटा, दोनों पक्षों में x स्क्वायर से भाग दे दो, ठीक है, तो लिखना x स्क्वायर से भाग देने पर, यही करोगे बेटा, तो x स्क्वायर से जब भाग दोगे तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस, यहाँ पे बेटा x स्क्वायर से x कट जाएगा, x x बचेगा x, तो हो जाएगा 5x, यहाँ पे बेटा 2x स्क्वायर भाग, नहीं सॉरी बेटा, x स्क्वायर से गुणा करने पर भाग, x स्क्वायर से गुणा करने पर, और यहाँ पे बेटा करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 बराबर 0, गुणा करने पे 2 दूनी 4 आए, जोड़ने घटाने माइनस 5 आए, तो 4 एकम 4 एक 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0 अगर लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, और 2x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/2, ये निकल जाएगा इसका दोनों मान। आ जाओ 15 पे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b इंटू x और माइनस 12ab, यही दिया बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस है बेटा 4a स्क्वायर माइनस 3b एक्स और प्लस माइनस 12ab दिया बेटा, प्लस नहीं माइनस 12ab बराबर 0, इसको खोल दो, खोलोगे बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3bx माइनस 12ab बराबर 0, एक काम करो ax यहाँ पे कॉमन ले लो, ax अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा a तो खत्म हो गया, x प्लस 4a माइनस 3b कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया है, 12 में से 3 कॉमन हो गया 4 बचेगा, और बेटा b कॉमन हो गया a बचेगा बराबर 0, दोनों में x प्लस 4a कॉमन है तो क्या होगा, x प्लस 4a कॉमन लेना ए एक्स माइनस 3b बराबर 0, अब अगर हम लेते हैं बेटा x प्लस 4a बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4a हो जाएगा, और ए एक्स माइनस 3b बराबर 0 लेंगे तो ए एक्स बराबर 3b तो x बराबर 3b बाई a हो जाएगा इसका मान।
नोट करो बेटा, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम, मिटाएं इसको। आ जाओ 16 नंबर पे बेटा। 16 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस ए प्लस वन और ए प्लस टू, यही है बराबर जीरो। तो बेटा ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे ए प्लस वन आए और ए प्लस टू आए, और जोड़ने घटाने पे क्या आए बेटा, केवल एक्स आए। ऐसा आपको दो संख्या बताना है। तो अगर हम ए प्लस टू और ए प्लस वन का गुणा कर दें, देखो ए प्लस टू और ए प्लस वन का गुणा कर दें, ए प्लस टू ए प्लस वन आ गया, जोड़ने घटाने पर बेटा कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो हम क्या करें, ए प्लस टू और माइनस कर दे बेटा ए प्लस वन, तो करेंगे ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन, ए से ए कैंसिल, दो में से एक जाएगा एक बचेगा, ठीक है। तो कर लोगे आप लोग, तो यक्स स्क्वायर प्लस कितना बेटा, ए प्लस टू इंटू यक्स और माइनस ए प्लस वन इंटू यक्स माइनस ए प्लस वन और ए प्लस टू बराबर जीरो। अब बाबू इसमें कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है, तो यक्स जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यक्स, कॉमन ले लो बचेगा यक्स प्लस ए प्लस टू, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा बेटा, ए प्लस वन कॉमन होगा, ए प्लस वन जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यक्स, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस टू बचेगा, ठीक है बेटा, बराबर जीरो। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यक्स प्लस ए प्लस टू, तो ले लो यक्स प्लस ए प्लस टू कॉमन, तो बचेगा बेटा यक्स माइनस ए प्लस वन, ठीक है बराबर जीरो। तो यक्स प्लस ए प्लस टू बराबर जीरो, तो यक्स बराबर माइनस ए प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ले लें बेटा यक्स माइनस ए प्लस वन बराबर जीरो, तो यक्स बराबर ए प्लस वन हो जाएगा, इसका दोनों मूल निकल गए। नोट कर लो इसको भी बेटा, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मिटाएं इसको। चार क्वेश्चन बचे हैं, अब जितने क्वेश्चन आएंगे थोड़ा थोड़ा हार्ड आएंगे। 17 नंबर है ना, दिया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab x, और क्या दिया बेटा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो बेटा ऐसी दो संख्या लाओ जिसका गुणा करने पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, और जोड़ने या घटाने पर कितना है माइनस 4ab आ जाए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों का गुणा करोगे तो वही आएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करके करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो खोलोगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे लेकिन बेटा माइनस है ना शायद, हाँ तो सबके बाहर माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बाहर माइनस लगा देना चल जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितना बेटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2ab, इससे ए कैंसिल, प्लस 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 4ab हो जाएगा, और सबसे पहले माइनस लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो इसको लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रेकेट लगा देना, चाहे मझला ब्रेकेट लगाओ, हाँ मझला ही लगा दो बेटा। कितना दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेना बेटा इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस कर दो बेटा ए माइनस बी का
होल स्क्वायर इंटू यक्स और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस खोल देना और नहीं तो माइनस खोल दो, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। माइनस तो यहाँ पे बेटा प्लस, आया समझ में। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे बेटा, कितना बचेगा यहाँ पे, बचेगा यक्स और माइनस यक्स नहीं बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस एक और यहाँ पे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस एक। हाँ सही है बेटा, आ गया। दोनों में क्या है, x माइनस एक है, x माइनस एक कॉमन ले लो, बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू यक्स और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक कॉमन था ना बेटा, और इसको ले लेना प्लस एक बराबर जीरो। एक करना पड़ेगा आपको बेटा, इतना कर लोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नहीं सॉरी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ बराबर जीरो। x माइनस एक लेंगे बेटा, अगर x माइनस एक बराबर जीरो तो x बराबर हो जाएगा एक, और यहाँ पे जब लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो क्या होगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर x बराबर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर x बराबर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक a हो जाएगा बेटा और एक a हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। इसको नोट कर लो आप लोग, फिर चलेंगे, तीन क्वेश्चन और बचे हैं, उन तीनों को भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इनको नोट कर लो, थोड़ा सा बेटा दिक्कत हो रही क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा सा घुमा दिया, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है इसमें। अठारह नंबर, क्या दिया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन यक्स ए स्क्वायर प्लस वन, ए दिया बेटा, दिया है बाबू ए यक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्या दिया है माइनस यक्स ए स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। एक काम करो, इसका खोल दो, ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए माइनस ए स्क्वायर यक्स और माइनस यक्स बराबर जीरो। ए एक्स स्क्वायर बेटा इसको लाओ, माइनस ए स्क्वायर यक्स और माइनस यक्स प्लस ए बराबर जीरो। ए एक्स कॉमन ले लो इसमें, देखते हैं क्या होता है। ए एक्स कॉमन लोगे बेटा तो बचेगा एक्स माइनस ए, माइनस एक कॉमन ले लो, एक्स माइनस ए बराबर जीरो, बन तो गया तुरंत एक्स माइनस ए बेटा और ए एक्स माइनस वन बराबर जीरो। एक्स माइनस ए बराबर जीरो तो एक्स बराबर ए, इसी प्रकार करोगे बेटा ए एक्स माइनस एक बराबर जीरो तो ए एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर एक बटे ए आ गया इसका दोनों मान, ठीक है। नोट करो इसको भी, तब मिटाते हैं बाबू, दो क्वेश्चन और बचा, 19वां और 20वां। उन्नीसवां क्या कह रहा है बेटा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और माइनस ए प्लस वन, क्या दिया ए इंटू ए प्लस वन दिया बेटा बराबर जीरो, यह दिया है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। क्या करो, ए एक्स बेटा इसमें जोड़ दो और ए एक्स को घटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स करना बेटा माइनस ए एक्स, और क्या है माइनस एक्स माइनस ए प्लस वन बराबर जीरो। अब बाबू इसमें एक काम करो, एक्स प्लस ए एक्स है और यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बचेगा
यहाँ से बचेगा a प्लस वन और माइनस a है बेटा a प्लस वन बराबर जीरो है। एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो जब x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे a प्लस वन इसको भी लिख सकते हैं या वन प्लस a लिख सकते हैं, और माइनस x a प्लस वन और माइनस a a प्लस वन बराबर जीरो। अब तीनों में क्या कॉमन है बेटा, तीनों में देखोगे a प्लस वन कॉमन है, तो तीनों में से जब a प्लस वन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी x है, एक मिनट सॉरी, x प्लस a बचेगा, यहाँ पे x प्लस a, x प्लस कहीं से कुछ, यहाँ से x कॉमन होगा अगर ले हम, तो x प्लस a यहाँ से बेटा, एक मिनट, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ से अगर x कॉमन लें तो बचेगा x प्लस a बचेगा, सॉरी x प्लस a, और इसमें बेटा माइनस a प्लस वन कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस a बचेगा बराबर जीरो। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस a कॉमन है, x प्लस a कॉमन लोगे बेटा a a निकल गया तो बचेगा x माइनस a प्लस वन, ठीक है, बराबर जीरो, तो x प्लस a बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस a आएगा, और x माइनस a प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर a प्लस वन आएगा, a होगा बेटा इसका, एक a हो जाएगा और दूसरा a हो जाएगा। इसमें ए एक्स जोड़ना है बेटा, x घटाना, उसके बाद क्या करना है, x में इसमें x कॉमन ले लेना, a प्लस वन बन जाएगा, ये भी a प्लस वन बन जाएगा, इसमें से x कॉमन लोगे x प्लस a बन जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस a आ रहा है, दोनों में से x प्लस a कॉमन ले लेना आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, 20वां नंबर क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है। बीसवां क्या कहा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बाई ए इंटू यक्स, यही है, और प्लस वन बराबर जीरो। बेटा इसको कैसे करोगे, एक्स का तो पहले गुणा करो फिर देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए यक्स, और प्लस इसका करोगे बेटा एक बटे ए गुणे यक्स, प्लस एक की जगह पे लिख देना बेटा ए बटे ए, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, एक हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस a, और प्लस इसमें क्या कॉमन है बेटा, एक बटे a कॉमन ले लेना, तो बचेगा x प्लस a इसमें भी बराबर जीरो। दोनों में कॉमन मिल गया बेटा हमें x प्लस a, और बचेगा x प्लस एक बटे a बराबर जीरो, तो x प्लस a बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस a हो जाएगा, और x प्लस एक बटे a बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस एक बटे a, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। इसी के साथ चैप्टर कौन सा था, प्रश्नावली नंबर 4.2 खत्म हो गया बेटा, हम लोगों को पढ़ना है 4.3 नहीं पढ़ना है पुरानी वाली बुक से, और नई वाले में 4.4 को ही 3 कर दिया, तो हम लोग अब की बार पढ़ेंगे 4.4, क्योंकि बेटा पूर्ण वर्ग विधि निकल गया है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।